दक्षिणी पूर्वी दिल्ली जिला के सिद्धार्थ एनक्लेव में महिला क्लब की ओर से भव्य दुर्गा अष्टमी डांडिया नृत्य और मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के मंत्री मुकेश अहलावत, स्थानीय विधायक प्रवीण कुमार के साथ बुद्धिजीवी, समाजसेवी, स्थानीय निवासी भारी संख्या में उपस्थित रहे। दिल्ली से डेली न्यूज ऑनलाइन .in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। देखिए आज के ओकेशन माँ दुर्गा का ओकेशन है, नौ दुर्गा चल रही है और यहाँ पर डांडिया का भी होएगा और भी मेला लगा हुआ है। कैसा देखते हैं जब ये महिलाएं मिलकर करती हैं, समाज में क्या महसूस जाता है इस तरीके से महिलाएं जुट जाती हैं किसी भी तरह में? महिला तो आपको ये लगाओ जहाँ महिला आगे बढ़ती है वहाँ सब कुछ आगे बढ़ जाता है, महिला के बिना कुछ भी नहीं। महिला तो जो दिल से करती है वो तो शायद पुरुष भी इतने दिल से नहीं करते जितनी महिलाएं दिल से काम करती हैं, और इनके इतने ये जब महिला में किया तो ये तभी इतना अच्छा हुआ है। सर ये बताएंगे अब आप पहली बार मंत्री बने समाज कल्याण, बहुत बड़ा एक मंत्रालय आपके दिया गया, जो नई मुख्यमंत्री बनी अतिथि जी ने भी आपके विश्वास करा, माने केजरीवाल जी ने भी आप विश्वास करा, क्या देखते हैं जब आप जमीन को उतर गए MLA और अब आप मंत्री के रूप में काम करेंगे तो क्या देखते हैं कि हमें क्या प्रायोरिटी क्या है आपकी काम के? मैं MLA था तब भी नॉर्मल रहता था, अब जो मंत्री बना हूँ तब भी नॉर्मल ही रहेंगे। और रही बात काम चैलेंजिंग तो है क्योंकि समय थोड़ा सा रह गया और थोड़े से समय के टाइम में अभी चुनाव भी आ जाएंगे, लेकिन चैलेंज किया है तो चैलेंज करेंगे। जिसमें मैंने सबसे पहले आते ही श्रमिकों के वेजेस बढ़ा दी सबसे पहले, तो वो बढ़ाएँ, अभी और भी डिपार्टमेंट है उसके भी डिपार्टमेंट बहुत जल्दी काम वो करेंगे और अपनी सरकार को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आपके क्षेत्र में ये इवेंट हो रहा है, इतने शॉर्ट टाइम में इतना शानदार इवेंट करना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और लेडीज क्लब ने ये इवेंट जो है नवरात्र के समय में ऑर्गेनाइज करके बताया कि महिलाएं जो है वो माँ दुर्गा है, वो कभी किसी से कम नहीं है, और माँ दुर्गा जो है वो क्रिएशन भी है और डिस्ट्रक्शन भी है, दोनों तरीके की ताकत जो है माँ दुर्गा में मौजूद है। और इतना अच्छा कार्यक्रम जो है 3 दिन में कर पाना, यही जो है वो बताता है कि महिलाएँ कितनी मैनेजमेंट की में सही है, कितनी ज़्यादा स्किलफुल है। और बहुत शानदार यहाँ पे इवेंट जो है वो सिद्धार्थ इनके में लेडीज क्लब ने ऑर्गेनाइज किया, ममता जी को, नरेश मुद्गल जी को, चंदना जी को, पूरी टीम को जो है बहुत बहुत बधाई दी और बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पे क्षेत्रीय MLA भी हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ सब महिलाएँ जब इकट्ठी होती हैं
और जो भी ममता जी के नेतृत्व में ये वर्ष हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये आपका क्षेत्र है और आप इतने उत्साह से यहाँ पर आए हैं? नहीं, बहुत अच्छा है और इसी तरीके से लोगों को प्रेरणा मिलती है। सारे स्टॉल जो हैं वो यहीं के लोकल लोगों ने लगाए हैं, होममेड चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का बहुत शानदार ऑप्शन भी आने वाला है। और जहाँ पर नवदुर्गा के जो स्टार्ट हुआ है, आपने यहाँ पर डांडिया का ऑपरेशन रखा है और बहुत बड़ा मेला भी लगाया है, बहुत महिलाएं सिद्धार्थ इंक्लेव की महिला क्लब की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है जी, कैसा जी, है और क्या ऑर्गेनाइजर है और आपने किस तरीके से इसको लिया कि ये बहुत जरूरी भी हो गया जी, जी, जी। नहीं मैं ये बता दो साथ में, तो मैं आपको बता दूँ हाँ कि मैं यहाँ सिद्धार्थ इंक्लेव लेडीज क्लब की सेक्रेटरी हूँ। इस समय हमारी प्रेसिडेंट हमारे साथ वंदना सक्सेना जी हैं। मैंने यहाँ पर 10 साल तक प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीशिप का मैं पिछले 40 सालों से लेडीज़ क्लब का नियंत्रण कर रही हूँ। यहाँ पर क्या कहते हैं, हर साल हमारी लेडीज़ क्लब की तरफ से एक इवेंट होता है जिसको कहते हैं दिवाली मेला। इस बार हमने थोड़ा सा दिवाली मेला, चूँकि हम लोग के साथ हमारी एसोसिएशन ने उसको ओवरटेक कर लिया, तो हम लोगों ने क्या कहते हैं कि इस बार हमने डांडिया महाराज डांडिया का प्रोग्राम प्लान किया और जिसमें हमको अपने मेरे मिनिस्टर मतलब ये चूँकि मैं आप पार्टी में भी सेवारत हूँ, मतलब आप पार्टी की भी कार्यकर्ता हूँ, तो हमने इसमें अपने मिनिस्टर से और उससे प्रार्थना की कि हमारे नवरात्रि के उपलक्ष्य में जो कि माँ दुर्गा की गाथा का वर्णन करते हैं, ये नवरात्रि बेसिकली 9 दिनों में माँ की या गाथा का वर्णन करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पुरुषों के अहंकार का मर्दन किया, तो नारी ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी वो है कि ये नारी सशक्तिकरण के लिए नारी सशक्त नारी और उसको शो करता है। जब हमारी देवी मान ही क्या कहते हैं सशक्त नारी नारीत्व का नारी के सम्मान के लिए उन्होंने क्या कहते हैं कि ये इतना बड़ा राक्षसों का मर्दन किया, तो हम लोग भी ये नारियों के लिए संदेश है इस समय कि हम सब नारियाँ सशक्त रूप से बने और अपने मान सम्मान की रक्षा करें।